जय श्री राम। मैं पौण यादव अयोध्या से, तो अभी हम है बरसाना। तो यहाँ पर आपने लठमार, वर्ल्ड फेमस लठमार होली देखी। दो दिन यहाँ चलती है अच्छी खासी होली, उसके बाद वृंदावन में भी चलती है, नंदगांव में भी चलती है, बहुत जगह चलती है, पूरे एक हफ्ते तक चलती रहती है। बाकी तो वैसे पूरी महीना चलती है, बट एक हफ्ता ज़्यादा वो रहता है। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं कीर्ति मंदिर, जो कृपालु महाराज जी ने बनवाया था, जो प्रेम मंदिर बनवाए थे वही कीर्ति मंदिर बनवाए। उसकी नक्काशी इतनी खूबसूरत है कि आप दंग हो जाएंगे देखकर। तो चलिए चलते हैं कीर्ति मंदिर और आपको दिखाते हैं। तो कीर्ति मंदिर अगर आपको आना हो तो बरसाना मेन आप आ जाएंगे चौक के पास, उसके बाद आप वहाँ से राइट हैंड मुड़ेंगे, 10 कदम पर ही आपको कीर्ति मंदिर पड़ जाएगा। तो आप कीर्ति मंदिर जाना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए, राधा रानी जो मंदिर है वो 1.5 किलोमीटर लेफ्ट में है, और यहाँ से 122 किलोमीटर दिल्ली है, और उसके थोड़ी दूर पर आप जाएंगे तो आपको कीर्ति मंदिर पड़ता है। तो चलिए चलते हैं और आपको पूरा व्यू देते हैं। ये गर्दा जो आप देख रहे हो ना, ये गर्दा अबीर की है, ये धूल नहीं है, पूरा अबीर है। तो कल 28 तारीख को लठमार होली यहाँ खेली गई थी, आज 1 तारीख को ये वीडियो शूट हो रहा है। और चलिए और भी आगे चलते हैं। तो पूरा ये जो वृंदावन की जो रोड हैं, गलियाँ हैं, कुछ इस तरीके से उसके दूसरे दिन रंगों से भर जाती है। अगर आप सीधे जाते हैं तो कीर्ति मंदिर, और इधर आप जाते हैं तो ये सीधा आपको भवन लेकर जाएगा, राधा रानी के भवन में। तो यहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ पे महल है, आप जाके वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम ट्रैक करते हैं सीधे। कल इस जगह पे बहुत ही तेज़ी से होली खेली गई थी, और हम चलते हैं यहाँ से राइट हैंड साइड, और ये भी जाता है महल की तरफ, देखिए गेट बना हुआ है, तो इधर चलेंगे और आपको हम पूरी कीर्ति मंदिर का दर्शन कराते हैं। तो गाइस हम पहुंच गए हैं कीर्ति मंदिर के पास। तो आप पीछे बैकग्राउंड में देखेंगे, ये एंट्री गेट है कीर्ति मंदिर का। अगर मॉर्निंग टाइम अगर आप आते हैं तो 8:30 बजे ये गेट खुल जाता है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको पूरा कीर्ति मंदिर का टूर कराते हैं और दर्शन कराते हैं। और गाइस मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ, मैं इसलिए आया था इस मंदिर को एक्सप्लोर करने, क्योंकि इसकी जो नक्काशी है, आप कुछ हद तक आप देखेंगे प्रभु श्री राम जी के जो मंदिर में है उसी तरीके से इसकी नक्काशी, और उसी पत्थर से जो राजस्थान पत्थर से ये बनाया जाता है। इस साइड आप देखेंगे जो नक्काशी, कितनी खूबसूरती से इसको किया गया है, और पिलरों में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से इसकी नक्काशी देखने को मिलती है। और इसका एंट्री गेट कुछ इस तरीके से बनाया गया है, काफ़ी भव्य बनाया गया है। तो और अंदर से कुछ इस तरीके से मंदिर इस साइड में दिखती है। तो चलिए पूरा हम टूर कराते हैं और कीर्ति मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं। तो यहाँ से पहले आप चेकिंग कराना पड़ेगा, तो यहाँ से चेकआउट कराते हैं, उसके बाद एंट्री करते हैं अंदर की। ये गार्ड साहब है पूरी फुल सिक्योरिटी के साथ। और एंट्री करते हुए आप देखेंगे ये कीर्ति मंदिर का कैंपस कुछ इस तरीके से दिखता है। देखने में थोड़ा मोड़ा तो ये आपको दिखेगा प्रेम मंदिर जैसा, बट इसकी जो स्टोन है, इसकी जो नक्काशी है, और भी खूबसूरत है। यहाँ से देखिए गेट का पूरा कैंपस, और यहाँ से पूरी मंदिर का कैंपस है कुछ इस तरीके से पूरा दिख रहा है, और यहाँ पे रंगीली महल है। चलिए गाइस और आपको हम दिखाते हैं पूरा कीर्ति मंदिर का, आपको पूरा पहले सिनेमेटिक व्यू देते हैं, उसके बाद आपको पूरा हम अच्छे से डिटेल में बताते हैं और दिखाते हैं। और भाई लोग जो ये आप नक्काशी देख रहे हैं ना मंदिर की, ये जो ऊंचाई है बहुत ही ज़्यादा है, बट कैमरे में थोड़ा ही आपको छोटा दिखेगा, बट बहुत ही बड़ा है। और इस साइड आप देखेंगे, मैं थोड़ा आके आपको दिखाता हूँ, ये जो नक्काशी है ना देखने में काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही वाकई में तारीफ काबिले है ये पूरा। और इस साइड आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से इसको बनाया गया है, जैसे आप प्रेम मंदिर में आप देखते होंगे इसका। और ये पिलर है और बर्ड्स उड़ रही हैं, चिड़ियाँ उड़ रही हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे हर एक छोटी छोटी चीज़ को बहुत ही खूबसूरती से निखारा गया है।
तो चलिए और आगे चलते हैं और आपको इधर दिखाते हैं। तो इधर आपको देखने को मिलेगा छोटे छोटे झांकियाँ, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और पिछला हिस्सा जो है मंदिर का कुछ इस तरीके से है, देखने में इस तरीके से लगता है। और आप इसका जो बनाया गया है ना, बहुत ही खूबसूरती से बनता भाई, कोई जवाब नहीं है इसका। और इसके वॉल बाउंड्री पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मोर बना हुआ है, ऐसे पूरे वॉल बाउंड्री में किया गया है। और इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर गाना वगैरह चल रहा है, तो मैं आपको शॉर्ट सिर्फ दिखाता हूँ इस साइड। आप और इस साइड आप देखेंगे ना तो यहाँ पर पूरी जो झांकियाँ हैं कुछ इस तरीके से दर्शाया गया है। एक साइड में है मंदिर के ही, और इस साइड में भी पूरा आप देखेंगे बहुत अच्छे से पूरी डिटेल में सब अच्छे से पूरी जो है। इधर राधा रानी है, उनकी जो सखियाँ हैं, ढोल मंजीरा उधर सब बज रहा है, पूरा है राधे राधे कलर का ये लगा हुआ है। और इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़ा सा शिवलिंग बनाया गया है और उस पर शेषनाग की तरह है सब कुछ। तो पूरा इस तरीके से झांकियाँ हैं, जो इधर भी है थोड़ा सा उस साइड में भी है, बस दो झांकियाँ हैं। और चलते चलते हैं अंदर, और मंदिर के अंदर अगर एंट्री होगी, अगर दिखाने का होगा तो आपको हम ज़रूर दिखाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरीके से, अभी यहाँ पर जब सीढ़ियाँ हैं मंदिर अंदर जाने के लिए, तो इस साइड में आपको हाथी वगैरह का जो स्टैचू दिख जाएगा इस साइड में और इस साइड में। और इसके अंदर एंट्री आप देखें, सामने देखेंगे राधा रानी जी और अपने माँ के गोद में, और इधर विष्णु जी हैं, तो अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं, नहीं तो अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। तो बाहर से आप दर्शन कर लीजिएगा अगर आपको विजिबिलिटी हो रही हो, दिख रही हो। तो गाइस आपने कीर्ति मंदिर का दर्शन किया, अभी हम आ गए हैं वृंदावन में। तो उसके बाद आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा कंटिन्यू वृंदावन का। तो इस वीडियो को करते हैं एंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय श्री राम।